ਅਸੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਕਵੇ ਤਾਂ ਕਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੀ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਜੋ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਦੇਖਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले तो ये सेंट्रल लेवल पे होता था कि कोई एजेंसीज हैं वो ऑपोजिशन के लीडर्स के फ़ोन टैप करती हैं, लेकिन अब जिस तरीके से पंजाब सरकार में कांग्रेस के ही एक एमएलए ने कहा है कि हमारे फ़ोन टैप हो रहे हैं पुलिस की तरफ से, मैं समझता हूँ बड़ा संगीन इशू है। क्योंकि अगर जो सत्ताधारी धिर है उनके अगर फ़ोन टैप हो रहे हैं तो ऑपोजिशन को ये कहाँ बख्श रहे होंगे? ये जहाँ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन बनता है एमएलएज का, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिम्मेवारी बनती है। और इससे एक जो डिससेटिस्फैक्शन है, एक जो मिसट्रस्ट है पंजाब की कांग्रेस पार्टी की सरकार में आपस में, वो सामने नज़र आता है। मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस इशू है, इसकी हाईकोर्ट के जज से, सिटिंग जज से इंक्वायरी होनी चाहिए कि ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आ सके। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के कोई भी इशू के साथ जो पब्लिक की सेफ्टी सिक्योरिटी और इनका जो मिसट्रस्ट है वो सामने आता है। जिस तरह से जो पटियाली के एमएलए हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि सीआईए जो इंचार्ज है वो उनकी फोन टैपिंग कर रहा है, किस तरह से देखती है पार्टी? देखिए, मेरी अध्यक्षता में सामने सिंह कमेटी की मीटिंग थी और एमएलए ने उन पर आरोप लगाए हैं टैपिंग के। हमने उसी वक्त उनकी इंक्वायरी मार कर दी और उनकी बदली कर दी है, और इंक्वायरी आने के बाद अगर पाया जाएगा टैपिंग हुई है जो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होगी मिलेगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार के एमएलए मतलब कांग्रेस के एमएलओ की ऐसी टैपिंग हो रही है, तो विपक्ष का तो हाल क्या होगा? कहीं ना कहीं ज्यूडिशियली जांच होनी चाहिए। देखिए, अभी जांच हो रही है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि टैपिंग हो रही है? हमने जांच के आदेश दिए हैं, उनका जांच होएगा, उसके बाद सामने आएगा क्या हुआ। फिलहाल उनको सस्पेंड का अपना उनकी बदली की है, बदली की है। अगर जो पूरी कार्रवाई सामने आ जाएगी, जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है कानूनी तौर पर वो होगी। लेकिन एमएलए कह रहे हैं कि वो पहले भी उनकी कंप्लेंट्स की गई थी, सरकार ने उसकी गौर नहीं किया। मुझे एमएलए आपको क्या बताएंगे, मुझे भी बताते हैं, मुझे भी बताया था, मीटिंग में बताया था, लेकिन काम तो इंक्वायरी के बाद ही चलेगा ना, पता क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। एमएलए माननीय लोग लाखों लोगों के नुमाइंदे, अगर उनके साथ ऐसा हुआ है करने वाले के खिलाफ जो जिसने ये टैपिंग अगर की है उसके खिलाफ कार्रवाई। फ्री सेवा फ्री समाधान, फीस कम होन तो बाद विदेश च बैठे क्यों हो परेशान? ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਆਰ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲੇਗਾ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖੁੱਲੇ ਨਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ 100% ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ, ਪੀਆਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ, ਸੌਤਨ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਅਨਬਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ, ਮਨ ਚਾਇਆ ਪਿਆਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼, ਕੀਤਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂਤਰਿਕ ਆਰ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ।
ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 98 766 056 39।